अरे तुम ठीक हो? तुमको लगी तो नहीं? तू जरूर उठा। अरे आइए आइए स्टार साहिबा। और कैसे चल रहा है तुम्हारा सिंगिंग का कॉन्सर्ट? बहुत बढ़िया। और कुछ दिन बाद मेरा इंडिया टूर होने वाला है। वाह बहुत सही है। थैंक यू सो मच। क्या आजकल तो तुम मिलती भी नहीं है, बहुत बिजी रहती है ना? अरे ऐसा कुछ नहीं है यार। अपना मुझको अब कौन कहेगा, तो होना। और तुम्हें कल ज्यादा चोट तो नहीं लगी ना? और तुम तो बहुत अच्छी गाना गाती, तुम्हारा गला बहुत सही है। शुक्रिया। पर तुम अपनी टैलेंट यूज क्यों नहीं करती हो? हम गरीबों को कहाँ मौका मिलता है मैडम अपनी हुनर को दुनिया के सामने लाने का? अमीरजादे हम गरीबों के हुनर को दबा देते हैं हमेशा। अगर तुम में काबिलियत है तो तुम्हारे टैलेंट को कोई दबा नहीं सकता। मैं एक सिंगर हूँ और मैं दूंगी तुम्हारे टैलेंट को बढ़ावा। तुम चलो मेरे साथ। देखना वो भिखारी लड़की क्या थी और क्या हो गया एलिना की वजह से। सही बोला, इसका तो पूरा किस्मत ही बदल गया। एलिना का तो पूरा अच्छा से फायदा उठाया शोभा ने। इसने जो कभी सोचा नहीं होगा एलिना की वजह से वो सब इसको करने को मिल रहा है। पर ये सब मैं ज्यादा दिन तक चलने नहीं दूंगी। बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रही है मुझे ये सब। मैं चुप करा रही हूँ। Congratulations both of you for your new song. Thank you. कई रिश्ते पुराने किसी नहीं। अभी तक सुबह नहीं आई, कब से मैं कॉल ट्राई कर रही हूँ, पिक भी नहीं कर रही है। जाता हूँ मैं तो मुझे तू जाने दे। अरे यार कहाँ थी, कब से वेट कर रही थी हम लोग तुम्हारा? अरे वो इम्पोर्टेंट काम में थोड़ा बिजी थी। टूटा है तू, मैं बस 2 मिनट में आ रही हूँ। मैं चलती हूँ, मुझे कुछ लोगों से मिलना है। अरे अभी अभी तो आई है, चल ना थोड़ा कॉफी पीने चलते हैं। नहीं नहीं बहुत इम्पोर्टेंट काम है, फिर कभी पिएंगे। हाँ बाय। देखी भिखारी के स्टार बनने से ऐसा ही होता है। मुझे तो पहले से ही पता था आगे जाके वो तेरे साथ ऐसा ही करेगी। तू इसके साथ छोड़ दे एलिना, वरना तुझे कहीं के ना छोड़ेगी। ये गरीब लोग होते ऐसे, पैसे देख के सब कुछ भूल जाते हैं। ये तो जो बहुत बड़ा धोखा देगी तू देखना। अरे अरे ऐसा कुछ नहीं है, तुम लोग खामोखा उसके बारे में गलत समझ रहे हो। ठीक है मैं चलती हूँ। तूने शोभा को इतने आगे बढ़ाया और आज देख वो अकेले वीडियोस बना रही है। हाँ पहले तो लोग साथ में बनाती थी ना, और आज देख वो अकेले बाजी मार रही है। कहना क्या चाह रही हो तुम मुझे, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये देख तू चुप है तो ये डर लगता है, अपना मुझको अब कौन कहेगा, तू ही वजह। देखना तुम दोनों को जो गाना गाने का ऑफर आया था ना एल्बम क्रशर से, वो भी तुझे बिना बताए अकेले गा लेगी। और तब तुझे पता लगेगा हमारी बात ना सुनने का अंजाम। देखी भिखारी के स्टार बनने से ऐसा ही होता है। मुझे तो पहले से ही पता था आगे जाके वो तेरे साथ ऐसा ही करेगी। ये गरीब लोग होते ऐसे, पैसे देख के सब कुछ भूल जाते पुराने किसी नहीं के आ जाने से। मैम मैं आपके गाने रोज सुनती हूँ, मुझे बहुत पसंद है। मैम एक फोटो मिल सकती है? हाँ श्योर। मैम एक फोटो खींच देंगे प्लीज? टूटा है तू जुड़ा है क्यों मेरी तरफ तू मुड़। थैंक यू मैम, मैं आपकी बहुत बड़ी फैन। तू ये कहे कि यार हो गई, चल हो गएगा। तूने जैसे बोला मैंने वैसे किया। वेल डन, लग गई चिंगारी, अब बारी आग लगने की। तुम लोग ने एलिना को देखा क्या? नहीं हमने तो नहीं देखा। ये तू क्या कर रही है? ज्यादा नाटक मत कर तू मेरे सामने, और ये लोग मेरे लाइफ में बस तेरी वजह से आए हैं। ये क्या बोल रही है तू? ये देख तुझे क्या लगा मुझे कुछ पता नहीं चलेगा? तू चुप है तो ये डर लगता है। इतना भी
भरोसा नहीं है मेरे ऊपर, मैंने ये सब कुछ किया ही नहीं है। और हाँ, जब इंसान आगे बढ़ने लगता है ना तो बहुत सारे लोग होते हैं उन्हें भड़काने के लिए। और हमारी दोस्त तो इतनी पक्की इतनी अनमोल है कि लोगों को तो जलना ही था। और तूने तो मेरे लिए इतना कुछ किया है, तेरे बिना तो मैं कुछ भी नहीं हूँ, ये बात हमेशा याद रखना। और अगर तू ही नहीं रही मेरे लाइफ में तो मैं ये पॉपुलैरिटी ये लाइफस्टाइल का क्या करूंगी? तब तो मैं पहले ही जीतती, अब मैं पहले जैसे ही जीऊंगी, मुझे ये सबकी कोई जरूरत नहीं है। रॉकस्टार जी आ गई ना अपने औकात में, तो भिखारी थी और भिखारी ही रहेगी, समझी? मैडम आपका जो डील था एल्बम क्रिएशन का, उसकी रिकॉर्डिंग 2 दिन बाद है, तो आप दोनों आ जाना। ओके, मैं डील कैंसिल करती हूँ, मैंने सिंगिंग छोड़ दिया है। आप डील डन समझो, हम 2 दिन में आते रिकॉर्डिंग करने के लिए। तू यहाँ क्या कर रही है? और तुम दोनों की दोस्ती तो टूट गई थी ना? हाँ, हमारी दोस्ती टूट गई थी, पर सही टाइम में दीपा हमारी बोलना क्या चाहती हो तू? यही कि ये सब निकी ने किया है, और वो वीडियो शोभा भी पोस्ट नहीं किया, बल्कि निकी ने शोभा की वीडियो पोस्ट किया, और उस वक्त मैं भी थी उसके साथ, और बाकी सब निकी ने ही कर पाया है, और तुझे भी उसने ही भड़काया है ताकि तुम लोगों की दोस्ती टूट जाए। अभी भी टाइम है, संभाल जा। दीपा तूने मेरे साथ गद्दारी की। गद्दारी मैंने तेरे साथ नहीं की, तूने अलीना के साथ किया। और हाँ, हमारी दोस्ती इतनी गहरी है कि भगवान भी हमें जुदा नहीं कर सकते। और अब तो तुझे समझ आ ही गया होगा। चल सोबा, चलते धूम मचाने के लिए अपने गानों से। चल